हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी अग्निवीर एग्जामिनेशन 1/2023 बैच एसएसआर एमआर का रिजल्ट रिलीज हो चुका है, या यूं बोलें कि होना शुरू हो चुका है। आप लोगों ने ये नोटिस करा 27 मार्च को, 28 मार्च को, दोनों दिन मैसेजेस आए काफी लोगों को। जिनको 27 को मैसेज नहीं आया था उनको 28 को देखने को मिला, और काफी ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैसेज देखने को मिला है। कुछ लोगों का हिंदी में आया है, कुछ का इंग्लिश में आया है। इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि सभी राज्यों में क्या हुआ है, क्या हालत रही है वहां पर। उसके बाद सबका नंबर कब दिखेगा, कैसे मार्क्स को हम देख सकते हैं और किस तरीके से चेक करना है आपको, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और ऑल सिलेक्ट कर लो, तभी आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इन फ्यूचर जब प्रिपरेशन होगी तो वहां पर आपको सारी वीडियोस का अपडेट मिल पाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल, जो कि स्टडी विद अभिषेक चैनल है, स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है और इंडियन नेवी ग्रुप भी है स्पेशल इंडियन नेवी के लिए, इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। 27 मार्च को रिजल्ट रिलीज हुआ, 11 बजे से 2 बजे के बीच में काफी सारे लोगों को मैसेजेस आए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और उसके बाद उस दिन के बाद फिर नेक्स्ट डे यानी 28 मार्च को भी सेम यही चीज रही, सेम पैटर्न। 11 से 2 बजे के बीच में मैसेजेस आए हिंदी और इंग्लिश में, यानी कि जो 27 को आया था वो हिंदी में था और जो 27 मार्च को आया था वो मैसेज जो आया था वो था इंग्लिश में, और जो 28 मार्च को रिलीज किया गया वो हिंदी में। और काफी ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैसेज आया है, और काफी ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ हिंदी में और सिर्फ इंग्लिश में आया है। तो उन सभी को बोलूंगा, आप सभी लोग शॉर्टलिस्टेड हैं, सिर्फ शॉर्टलिस्टेड का मैसेज आ गया है, आप शॉर्टलिस्टेड हैं। इन सब चीजों को लेकर घबराने की नीड नहीं है। अब बात आती है कि आज 29 मार्च है, क्या आज भी कुछ हो सकता है? तो आप लोगों को बता दूं, अभी ही नहीं, कल तक आप लोगों के पास मैसेज आ सकता है, इसलिए आप अपने होप को ना छोड़ें। लेकिन यह भी नहीं है कि आप ऐसा कर लें कि आप फिर बाद में आपको डिसअपॉइंटेड होना पड़े। आप तैयार रहो, अगर आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी आएगी उसके लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। ये चीज है, तो आज भी आ सकता है काफी लोगों को मैसेजेस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सभी राज्यों के हालात के ऊपर। तो आपको बता दूं, कट ऑफ काफी कम गई है, बिकॉज एग्जामिनेशन का लेवल काफी अच्छा था और इस वजह से कट ऑफ काफी लो गई है। स्टेज टू काफी देखने वाली चीज होगी, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियोस आपको मिलेंगी। ये हो गई बात कि राज्यों की, ये रही है बात, मतलब ऑलमोस्ट राज्यों की कट ऑफ लो ही गई है और काफी सारे लोगों को सिलेक्ट करा गया है सभी राज्यों से। सबका नंबर कब दिखेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको बता दूं, जो आपको मैसेज आया है ना, उसमें नीचे एक चीज लिखी गई है कि आप जो है अपना हॉल टिकट नंबर जो डाउनलोड कर पाएंगे स्टेज टू के लिए, वो 30 मार्च को दोपहर 2 बजे 2 PM या उसके बाद डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, इसी टाइम पर आप अपने मार्क्स भी, अपने नंबर भी देख पाएंगे कि आपके नंबर कितने हैं और आपका क्या हुआ है, कौन सी चीज प्रॉब्लमेटिक हुई है, और जो लोग पास है उनके नंबर कितने हैं, ये आपको वहां देखने को मिलेगा। बाकी कट ऑफ जो होगी क्लियर हर एक स्टेट की, हर एक यूनियन टेरिटरी की, वो सारी चीजें भी उसी टाइम देखने को मिलेगी। उसे चेक कैसे करेंगे आप? तो agnivirnavy.cdac.in ये वेबसाइट है, जो न्यू वेबसाइट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही साइट है। जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डाउनलोड हॉल टिकट का ऑप्शन आएगा, यहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। तो कुछ इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। आप बस थोड़ा सा वेट करें, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और ये 100% कंफर्म है कि 30 मार्च को दोपहर के 2 बजे आप देख पाएंगे अपने मार्क्स को, अपने नंबर को, और साथ ही साथ जो लोग पास हो चुके हैं, जो शॉर्टलिस्टेड हैं, वो अपना एडमिट कार्ड हॉल टिकट नंबर डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था। बाकी जिनका सिम गुम हो गया है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं फोन चेंज कर दिया, तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपका सिम कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है, आप वो गुम कर चुके हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लॉग इन करके चेकआउट कर लेना 30 तारीख को, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप पास हुए होंगे, शॉर्टलिस्टेड हुए होंगे, तो आपको दिख जाएगा कि आपका वहां पर हॉल टिकट आ चुका है, एडमिट कार्ड आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से सारी चीजें थी, मैंने क्लियर कर दिया। होप
और बाकी आपके मन में कुछ जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, और कमेंट करके बताना अपनी राय कि आपकी राय क्या है इसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो, और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को, डाउट सॉल्विंग ग्रुप को और नेवी स्पेशल ग्रुप को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।